नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस के बारे में। हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस क्या होता है और हम इससे समझने वाले हैं कि इसके कारण क्या होते हैं और ये क्यों बढ़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस होता क्या है। देखिए, हेपेटोसेल्युलर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेपेटो और सेल्युलर। हेपेटो यानी कि जो आपका लिवर है और सेल्युलर यानी कि जो सेल्स हैं आपकी, यानी कि लिवर की जो सेल्स हैं। तो हेपेटो सेल्युलर यानी कि जो लिवर की सेल्स हैं वो टूटना या वो डैमेज होना या वो खराब होना, ठीक है। जब लीवर की सेल्स, जब हेपेटोसाइट्स खराब होती हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लीवर प्रॉपर तरीके से विलोरविन का, बाइल का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस होता है। अब हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कई सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और कई सारी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है। जैसे लिवर की कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस हुआ, ठीक है, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, जिनको अल्कोहल पीने की ज़्यादा हैबिट है, जो लोग बहुत लंबे समय से क्रॉनिक लीवर बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों में क्या होता है, उनकी सेल्स जो है लीवर उनका खराब होने लगता है। दूसरा क्या होता है, वहां पर हो सकता है ओवरस्ट्रिक्शन हो रहा हो, यानी कि जो वाइल का जो वाइल कैनिकुलाइज होता है, वहां का जो पाथवे होता है उसमें हो सकता है ओवरस्ट्रिक्शन हो रहा हो, यानी रुकावट हो रही हो। उसके बाद आता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन यानी कि जो आपका लीवर है वहां पर वायरल इन्फेक्शन ने अटैक किया है और आपके लीवर में सूजन होने लगी है, जिसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। इसकी वजह से भी आपके लीवर की सेल्स जो है डैमेज होती हैं, खराब होती हैं। इसके अलावा होता है कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो लीवर पर अटैक करती हैं, जैसे कि कॉमन भाषा में आपको आपने सुना होगा कि कई ऐसी मेडिसिन हैं जो बुखार उतारने वाली दवाइयां हैं, जो बुखार में दी जाती हैं, ऐसी दवाइयां वो लीवर पर जाकर के अटैक करती हैं या फिर लीवर पर ज्यादा उनका वर्क रहता है, यानी लीवर को खराब करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो टीवी में दी जाती हैं, कुछ दवाइयां, ऐसी मेडिसिन की वजह से लीवर अगर खराब होता है तो लंबे समय से अगर आप ले रहे हैं या कोई पेशेंट लेता है, इसकी वजह से भी आपके लीवर में दिक्कत आ सकती है, आपके लीवर पर सूजन या फिर आपके लीवर की सेल्स खराब हो सकती है। अब हम ये समझते हैं कि लीवर हमारा खराब हो गया यानी कि उसकी सेल्स थोड़ी डैमेज हो गई, अब इसमें हमें इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे कि हम यहाँ पर देख सकें। देखिए, सबसे पहला होता है आपके जो लेयर है आंखों की वो पीली होने लगेगी, आपकी स्किन है वो थोड़ी थोड़ी पीली देखने को मिल सकती है, आपकी जो नेल्स हैं, जो आपके लास्ट के जो एंड्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है कि वो पीले हो रहे हैं। इसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो खाना आप खा रहे हैं वो सही से पचेगा नहीं, पेशाब आपकी हो सकता है पीली आए। और अगर आप टेस्ट कराते हैं, अगर आप टेस्ट कराते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, तो यहाँ पर आप पर दोनों आपको बड़े हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड। अब अनकंजुगेटेड क्या होता है, अनकंजुगेटेड क्या होता है, देखिए अनकंजुगेटेड को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं और कंजुगेटेड को हम डायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और आपका जो विलोरविन का लेवल होता है वो होता है 0.2 से लेकर के 1 mg/L, है ना। अगर इससे ज्यादा ऊपर जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अगर 3 mg/L से अगर किसी का ऊपर जाता है तो आपको स्किन पर और आपकी आंखों में बहुत ज्यादा बड़ी आसानी से देखने को पीलिया की शिकायत, पीलिया के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम ये समझते हैं इसके अलावा कौन से टेस्ट हम करा सकते हैं। आपका SGOT और SGPT टेस्ट दोनों ही बढ़कर आ सकते हैं इस कंडीशन में। एल्केलाइन फॉस्फेट जो टेस्ट होता है वो भी ऐसी कंडीशन में बढ़कर आ सकता है। यूरिन एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है पिगमेंट थोड़ा बहुत मिल जाए। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। देखिए, प्रिवेंशन यहां पर आपको याद रखना होगा, ऐसी चीजें नहीं खानी है जो आपको लीवर पर लोड बढ़ाए, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या जो हैवी चीज खाते हैं, मीट खाते हैं या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, कुछ हैवी डाइट लेते हैं, हैवी फूड्स वगैरह लेते हैं जो आपके लीवर को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़े दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। या फिर आपको सबसे पहले लीवर की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, लीवर आपको सही करना पड़ेगा। लीवर अगर आपका सही होता है, इसके बाद आपकी जो जॉइंटिस है, जो पीलिया है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना होगा कि
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, थोड़ा बेड रेस्ट करना है यानी आराम करना है, इसके बाद में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी है, हल्का फुल्का भोजन खाना है, हल्का फुल्का खाना है जो आसानी से आपके पेट में आपके इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाए और आपके लीवर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। अगर लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली आपको बुखार में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कम खाना चाहिए। कम खाने से मतलब क्या है? कम खाने का मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और आपके बॉडी इम्यूनिटी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, ऐसी कंडीशन में अगर आप हैवी खाएंगे, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो एनर्जी अपना खाना पचाने पर लगाएगा बॉडी, समझ रहे हो? जो आपकी एनर्जी है, जो आपका पावर है, वो बॉडी खाना खाया, जो आपने हैवी डाइट ली है उसको पचाने में लगाएगी और इन्फेक्शन से क्या होगा, लड़ नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से। जब हम कुछ हल्की चीज खाते हैं और अच्छी एनर्जेटिक चीज खाते हैं तो इससे क्या होता है, आपको एनर्जी भी मिलती है और आपकी बॉडी को पचाने में, आपके डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है। जो एनर्जी बचती है उसे वो इन्फेक्शन को मारने में, इन्फेक्शन को खत्म करने में यूज करती है। सो इस तरह से कुछ प्रोसेसेस चलती हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस के बारे में। मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।